हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रियार किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए, हम लेकर आई हूँ चिकन पकोड़ा। ये जो चिकन पकोड़ा का रेसिपी है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एकदम सिंपल तरीका से मैं चिकन पकोड़ा बनाती हूँ, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिए हैं हमने आधा केजी बोनलेस चिकन है। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और इसको अभी मैरिनेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखिए मसाला, एक चम्मच जो है अदरक का पेस्ट है, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट है और हाफ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर है और एक बड़ा साइज का प्याज को हमने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर जो है 4 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर पाउडर है। तो चलिए अभी सबसे पहले जो है चिकन को मैरिनेट करेंगे, क्योंकि मैरिनेट करके इसको रख देंगे तो मैरिनेट करके रखने से जो है चिकन पकौड़ा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो चलिए अभी जो है इसमें सब एक एक करके डाल देंगे, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, प्याज का पेस्ट और इसमें देंगे एक अंडा। अंडा को फोड़ के इसमें दे देंगे। देने के बाद जो है ये कॉर्नफ्लावर पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। मतलब सब कुछ एक ही साथ में जो है मिक्स कर लेंगे। और इसमें अभी तक हमने नमक नहीं दिया है, क्योंकि नमक देने से क्या होता है, पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है चिकन। तो हमने हाथ को अच्छे से हैंड वॉश कर लिया था, करने के बाद हाथ के मदद से जो है इसको अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, ये रेड चिली के बदले में आप हो सकता है हरी मिर्च, मतलब ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको मतलब दे दिया है, ये जो चम्मच है इस चम्मच का 1 चम्मच होगा। तो चलिए इसको अभी मैरिनेट करके मैं एक कंटेनर में भर के फ्रिज में 2 घंटे के लिए स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि जितना देर मैरिनेट होकर मतलब ऐसे रैम करके रखते हैं उतना अच्छा मतलब चिकन पकौड़ा बनता है, चिकन भी जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए इसको कंटेनर में भर के रख देते हैं 2 घंटे के बाद। तो अभी देखिए 2 घंटा हो गया था, तो हमने इसको फ्रिज से निकाल के लेकर आई हूँ। तो इसमें अभी नमक दे देंगे, क्योंकि नमक हमने नहीं दिया था। नमक दे के इसको अभी मिक्स कर लेंगे। तो उधर हमने फ्राई पैन भी चढ़ा दिया है गैस में, इसको देखिए मिक्स कर लिया है। इधर तेल भी जो है गर्म हो गया है। तो चलिए इसको अभी जो है एक एक करके मैं फ्राई कर रही हूँ, और मैं हाथ से ही जो है ऐसे एक एक करके फ्राई कर मतलब फ्राई पैन में दे रही हूँ, दे के इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फ्राई पैन में डाल देते हैं, जितना मतलब इसमें आएगा उतना इसमें डाल देते हैं। और ये जो चिकन पकोड़ा है, सबको ही पसंद है। आजकल बड़े हो चाहे बच्चे हो, सबको जो है चिकन पकोड़ा बहुत पसंद आता है, बहुत फेवरेट भी है। तो हमने एकदम सिंपल तरीका से बनाया है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब तंझब नहीं है। एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल इंग्रीडियंट्स है, एकदम जल्दी से फटाफट बन जाता है और सबका फेवरेट भी है ना। तो चलिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार इस तरह से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसका मतलब चिकन पकोड़ा जो है फ्राई हो गया। हम इसको निकाल लेंगे, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साइड में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो चलिए इसको अभी सॉस और सलाद के साथ साफ कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय।